रुक जाए ना भाई, और संग्राम जी लेट हो गए, वो जयपुर से आए थे। फोटो करने दे रहे हैं मैम, साइड में आ जाइए मैम, उस तरफ आ जाइए, सब क्लियर करो आप, इधर देखो क्लिप को बताने, इधर देखो थोड़ा पीछे आना, पीछे आना, हमारा बड़ा मैसेज वाला कार्ड, हम थोड़ा पीछे आना यार, फोटो नहीं मिल रहा है यार मेरे को, और जल्दी जल्दी जल्दी, आप सब भी इनवाइटेड हैं, आप सब का क्या कर जी, आप सब भी इनवाइटेड सर, मैम यहां पे देखिए ना, यहां पे संग्राम सर, हां मैम मैम इधर, अभी आसिम भाई एक मिनट मैम सर, हम यहाँ पे कोई आगे नहीं जाएगा जी, यहाँ पे यहाँ पे हाँ इधर आ जाइए ना, पूरा जगह रोड रोड क्यों आगे जा रहे हैं, अरे रुकना जाने दे, हाँ रोड ब्लॉक नहीं होगा, रोड वैसे भी ब्लॉक है। पहले तो कांग्रेचुलेशन, आप आज जन्माष्टमी भी है और आप आए हो इस पवित्र जगह पे, क्या कहना चाहोगे आप? आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट भगवान जी ने हमें मौका दिया कि हम उनके दर्शन आज के दिन कर सकते हैं, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल हम्बल्ड, क्योंकि रिसेप्शन करना, प्लानिंग करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड भगवान जब तक आपके हाथ पे सर पे हाथ नहीं रखते तब तक प्लानिंग भी कुछ नहीं हो पाती। संग्राम जी आप क्या कहना चाहोगे? मैं ही कहना चाहूँगा कि वाकई अब तो ऐसा हो गया कि जिस शहर में जा रहे हैं एक रिसेप्शन करना पड़ रहा है, दिल्ली में किया, अहमदाबाद में किया, अब मुंबई में कर रहे हैं, फिर इसके बाद हरियाणा करना पड़ेगा, वो काफ़ी बड़ा होगा पूरा गांव में इन सब में, तो क्या है कि ठीक है, ये भी एक हमारा सौभाग्य है कि हमें अच्छे इंसानों को इनवाइट करने का या उनको भोजन खिलाने का मौका मिलता है। yes. तो इसीलिए अच्छी बात है कि रिसेप्शन यहाँ पर करें, बाकी तो सब चलता रहेगा, आप सबका प्यार है, इतने अच्छे इंसान हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को रिसेप्शन कार्ड देखने मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अरे That's so nice, so nice. एक मिनट, एक सेंड वीडियो थोड़ा मुंह हटा दो भाई, अगर इस चीज में एड्रेस हो तो उसको थोड़ा ब्लर कर लेना भैया, एड्रेस पे हाथ रख दिया मैंने, एड्रेस पे हाथ रख दिया। 10-15 साल से आई बीन पार्ट ऑफ दिस, मैंने गुड डेज देखे हैं, बैड डेज देखे हैं, मैंने आप लोगों के साथ अपना ग्रोथ किया है, आप लोगों ने भी बहुत ग्रोथ किया है, अभी एक पेपरेजी फंक्शन, एक यू नो जोर हो गया है जहां पे पेपरेजी का जोर है, सो आई जस्ट वांट टू काइंड ऑफ थैंक एवरीबॉडी जो मेरी जर्नी का हिस्सा बने, सो आई एम मेकिंग श्योर दैट आई इन्वाइट एवरीबडी, भूल चूक माफ, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, अनप्रडिक्टेबल, हमें लाइफ में कोशिश करनी चाहिए कि हम पास्ट को भूल के फ्यूचर की तरफ जाएं, जिंदगी में है ना, एज से नहीं सीखते, हम डैमेज से सीखते, वी मैच्योर विद डैमेज, तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, कुछ भी है अच्छे दिन बुरे दिन तो आते रहेंगे ना, बिंग नॉर्मल इज बोरिंग, चलता रहे लाइफ ही। लॉकअप के बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जहाँ उन्होंने कहा था कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शादी के लिए, मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ, अब तो हो चुकी है, फैंस काफ़ी खुश है, आप कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? जी हाँ, फाइनली संग्राम जी को के ऊपर जादू टोना करके उनको पटा के 12 साल के बाद एकदम फंसा लिया, मैं, यहाँ पे। उनको फंसा लिया, एंड आई थिंक इसमें योगदान लॉकअप का बहुत है, सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल ये शो हुआ, और ये शो के एक महीने बाद हमने शादी कर ली, जो चीज 12 साल से नहीं हो रही थी वो हो गई। कल दया एंड कुछ हमारे दर्शकों को भेज देना चाहोगे? जन्माष्टमी भी है कल, बहुत बड़ा दिन है, कृष्ण जन्म, और कृष्ण की ऐसी प्लेस में आप आए हो, काफ़ी पवित्र जगह है, उसके बारे में देखिए, भगवान कृष्ण जी के जन्मदिन जन्म से हमें एक शिक्षा मिलती है कि चाहे असफलता कितनी बड़ी हो, कितना ही कुछ हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान कृष्ण का जन्म 7 दरवाज़ों के अंदर हुआ था, मतलब जेल के अंदर हुआ yes. था, उसके बावजूद उन्होंने मतलब एक पूरे संसार को कितना अच्छा शिक्षा दी, कितना अच्छा पाठ पढ़ा। मैं कह रहा हूँ देखो, भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई दूसरा हो सकता है, उन्होंने बचपन जिया तो ऐसा जिया, हर माँ अपने बच्चे को काना बोलती है, जब वो यंग हुए तो कोई भी लड़का घूमता तो उसको बोलते हैं अरे कन्हैया कहाँ जा रहा है, जब वो थोड़े से नीति शास्त्र पे आए तो उन्होंने 5 नॉर्मल सादे वनवासियों को, पांडवों को, मतलब विजय विश्व विजेता बना दिया, उन्होंने ज्ञान दिया तो नोबेल पुरस्कार सेल है, गीता ज्ञान दिया, तो ऐसे संपूर्ण 16 कला अवतार भगवान को उनके हम मत्था टेकने आए हैं कि हमारी ज़िंदगी में उनका आशीर्वाद बना रहे, और जितने भी दर्शक हैं, जितने भी दोस्त हैं, फैन हैं, उन सबको भी उनका आशीर्वाद मिले और हैप्पी जन्माष्टमी टू। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहना चाहती हूँ, श्री कृष्ण जी कहते थे कि सही के साथ खड़े रहो, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ, मैं उसी चीज़ का पालन करती हूँ, चाहे वो एक शो हो, चाहे मेरी निजी जिंदगी हो, भगवत गीता में जो हमको सिखाया जाता है वो पढ़कर अगर हम सब अपने लाइफ को जीने लगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। पायल जी, पायल जी,
थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाइए ना पायल जी, इधर दोनों में आ, नहीं मेरे पास ओ भैया जाए अंदर अभी अंदर पंडित जी वेट कर रहे हैं तो फिर ठीक है फिर दो क्या बीमार का क्या करते क्योंकि उनको भी लेट हो रहा है। आप भी वेट कर रहे थे, वो भी वेट कर रहे हैं। हम आपका रिसेप्शन का ज्यादा वेट कर रहे हैं। हां रिसेप्शन का ज्यादा वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूं।